स्वच्छ अभियान प्रकल्प के अंतर्गत सिविल लाइन स्थित एक होटल में 11 जिले के संयोजक और सह संयोजकों के साथ एक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में 6 बिंदुओं पर चर्चा किया गया। इस अवसर पर प्रदेश संयोजक सत्येंद्र मिश्रा, प्रदेश संयोजक रोहित कपूर, क्षेत्रीय संयोजक ऋषि त्रिपाठी सहित 11 जिले के संयोजक और सह संयोजक मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए क्षेत्रीय संयोजक ऋषि त्रिपाठी ने कहा, सारे दूसरे आ जाएंगे आपके पास। आज की बैठक के द्वारा बैठक ली और अपने जो कर्तव्य है उसके प्रभारी, इसीलिए ये बैठक आज आप लोगों की बैठक करी। आपकी क्या तुम नाम आप लोग जो जिला संयोजक हैं, इन सभी लोगों ने अपने जिले के सहसंयोजक बना लिए हैं क्या? आप दो मंडल, तीन मंडल या पांच मंडल के साथ मिलकर वहाँ के जिला के समिति लेकर बजट चल रहा है। 5 तारीख से 10 तारीख के बीच एक जिले में आर्थिक जो है कि 30 मंडल, 25 मंडल, 30 मंडल बच्चे 35 मंडल है आज ये स्वच्छता अभियान प्रकल्प की गोरखपुर क्षेत्र की बैठक रखी गई है, जिसमें हमारे प्रदेश संयोजक आदरणीय सत्येंद्र मिश्रा जी और क्षेत्रीय डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी मुख्य रूप से उपस्थित हैं। इसमें हम लोग स्वच्छता अभियान प्रकल्प द्वारा चलाए जा रहे भविष्य के कार्यक्रमों की चर्चा करेंगे, जो लोकसभा चुनाव तक आगे क्या क्या होना है, क्या क्या रूपरेखा तैयार की गई है, किस तरह सदस्यता स्वच्छता अभियान प्रकल्प के लोग बनाएंगे, ये सारे मुद्दे यहाँ पे बनाए गए हैं। बूथ स्तर तक, मंडल संयोजक स्तर तक संयोजकों का मनोनयन होना है, जिससे कार्यक्रमों के संचालन में आगे किसी तरह की दिक्कतें ना हों, कार्यकर्ताओं को इसमें जोड़ के और आगे तक इसकी रूपरेखा तैयार की गई है। इसी सब मुद्दों को लेकर ये बैठक की गई है। बैठक में 11 जनपदों से, गोरखपुर क्षेत्र के 11 जनपद आते हैं, 11 जनपदों से जिला संयोजक और सह संयोजक आए हुए हैं।